सर, बिल्कुल अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और मायावती का कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया हालांकि, लेकिन अभी ये जी कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि इस बात के बाजार गर्म है कि इंडिया गठबंधन में आने के लिए उनपे भी रोड़े लगाए जा रहे हैं। खासकर जो रोड़े हैं वो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि इनको इंडिया गठबंधन में नहीं लाना है। सर, आपको कितनी सच्चाई लगती है, क्योंकि आप इतने दिनों से सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को देख रहे हैं, उनकी कार्यशैली देख रहे हैं, उनकी मानसिकता को देख रहे हैं, वरिष्ठ हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि इन दोनों ने कहा होगा कि मायावती जी की एंट्री नहीं करानी है, इनके देखिए बगैर चुनाव लड़ना देखिए, अगर इन्होंने कहा भी होगा तो इनकी कोई हैसियत नहीं है कि ये मायावती जी की एंट्री को रोक लेंगे, क्योंकि है? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा दल है और सबसे ज्यादा जगह चुनाव वो लड़ेगा, और मरते गिरते भी जो मरा हाथी है 1.25 लाख का, हमारे यहाँ कहावत है। तो कांग्रेस की स्थिति वही है, कांग्रेस के सामने अखिलेश यादव की कोई औकात नहीं है कि वो कह दें कि आप मायावती जी को एंट्री मत दीजिएगा। कांग्रेस जो चाहेगी वो होगा, लेकिन बशर्ते कि मायावती जी भी तो राजी हो। मायावती जी भी तो राजी नहीं है, तो कांग्रेस कांग्रेस अपनी, हालांकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि हमारे लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, उनके लिए उनका स्वागत है, लेकिन मायावती जी को यही डर है कि उनका वोट बैंक चला जाएगा, बिखर जाएगा, लोग उसका उसकी डकैती डाल लेंगे, उसकी लूटमार कर लेंगे। इसलिए वो बहुजन समाज के हित में ऐसा फैसला ले रही है कि अकेले चलो, अकेले लड़ो तो ज्यादा ठीक है, हम चाहे 5 सीट पाएं चाहे 20 सीट पाएं, अपनी पहचान तो है। बेशक है कि ये लोग धोखा देके भाग जाते हैं उनको बाद में, वो अलग बात है, लेकिन एक लेकिन आते तो उन्हीं के नाम पर है ना, आते तो कांशीराम जी और मायावती के नाम पर है। जी